नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। प्रयागराज जनपद के सीएचसी जसरा में होने वाली कोरोना वायरस के लक्षणों की जांच के लिए लोग स्वयं ही पहुंचकर जांच कराने में लगे हुए हैं, जिसके कारण आज गुरुपुर थाने के सभी पुलिसकर्मी भी अपनी कोरोना जांच कराने के लिए जसरा सीएचसी पहुंचे, जहां पर सभी को जांच की गई। वहीं स्थानीय लोग भी अपनी जांच कराने के लिए सीएचसी जसरा से पहुंच गए, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा कोरोना जांच के लिए सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं। जबकि सीएससी अधीक्षक डॉक्टर तरुण पाठक के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र अधिकारी कर्चना के ऑफिस में तैनात 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से एक स्टाफ भूतपुर थाने में आकर के काफ़ी समय तक थाने में मौजूद थे, जिसके कारण भूतपुर थाने के सभी स्टाफ की भी कोरोना जाँच की गई है, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। अधीक्षक महोदय, कल सीओ करछना और एसओ घूरपुर समस्त स्टाफ सहित कल कोरोना टेस्ट कराने आपके सेवाएं, कितने लोग पॉजिटिव निकले या कितने लोग निगेटिव, क्या रिपोर्टें आएंगी? देखिए, उसके एक दिन पहले जो थे तो करछना सीओ साहब के पेशकार थे, तो घूरपुर किसी काम से आए थे, तो उनको बुखार था और उनको सिम्टम खांसी से आ रही थी, तो वहाँ उनको एडवाइस दी गई कि आप जाँच करा लीजिए, कोविड एंटीजन टेस्ट चल रहा है जसरा में, करा लीजिए। तो आए थे उनका, एक तो उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, फीवर भी था, उनको डायबिटीज भी थे, उनकी जांच के बाद वो पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव आने के बाद वो थाने में भी गए थे, आए थे, पहले भी गए थे थाने में, बाद में भी थाने गए थे, और अपने वहाँ पे भी गए थे सीओ ऑफिस भी। इवन उन्होंने निर्णय लिया कि हम जितने भी इनके संपर्क में लोग आए हैं सबकी जाँच फिर और करा दी जाए। तो उसी क्रम में जो है आज 52 लोगों की जो जाँच हुई थी, उसमें 3 पुनः सीओ ऑफिस के ही पेशकार लोग, अशोक कुमार, अशोक यादव और अवधेश, ये 3 लोग फिर पॉजिटिव आए, एंटीजन पॉजिटिव इनका था, और सारी जांच में सब लोगों की जांच एंटीजन जो थी निगेटिव थी सभी सिपाहियों की, और उसके अलावा भी जो और जांचें हुई थी करीब 30-32 जांचें और थी, जो कि हमारे हाउस वाइज सर्वे के रहे होंगे या हॉस्पिटल के रहे होंगे, सिम्टोमेटिक आई लव पेशेंट रहे होंगे, या तो और गाँव से जो लोग अपने इच्छा से लोग आए जिनको सिम्टम था, तो उनकी सबकी जांचें और निगेटिव थी। इसमें होता है कि अगर एंटीजन अगर आपका पॉजिटिव है तो कंफर्मेटरी पॉजिटिव होता है, और अगर सिम्टम अगर आपके अंदर सिम्टोमेटिक है तो उसके लिए हम लोग आरटीपीसीआर कंपनी टेस्ट के लिए कालनीपुरम भेजते हैं। ये जांच हुई थी अभी तक, इस बीच में जब से हम लोग जांच कर रहे हैं हमारे टोटल 4 पॉजिटिव निकले हैं, जबकि हम लोग इस बीच में करीब 450 जांच करा चुके हैं। इसके पहले हमारे जो जहां जहां हमारे हॉट स्पॉट थे उस एरिया में भी कम से हम लोगों ने करीब 600-700 जाँच कराई थी, उसमें सभी लोगों की जाँचें निगेटिव थी। डॉक्टर साहब, जैसे कि कल तत्काल रिपोर्ट आ रही थी, आप किस चीज से जाँच की जा रही है, तत्काल रिपोर्ट आ रही है? ये जो होता है एंटीजन टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट तुरंत रिपोर्ट देती है, 5 मिनट में ले लेती है। अगर एंटीजन पॉजिटिव है तो आपको जहाँ आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है, और एंटीजन अगर मान लीजिए निगेटिव है, अगर आपके अंदर सिम्टम है जैसे बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, तो फिर आपकी कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर जाता है, वही स्वैब आपको भेजा जाता है वहाँ पर कालिंदीपुरम, और वहाँ से फिर माइक्रोबायोलॉजी भेजते हैं, उसको कंसाइनमेंट करते हैं, उस जाँच के लिए भेजी जाती है।